और हरियाणा कांग्रेस की बैठक जो कि सितारे तक चल रही थी वो अब खत्म हो चुकी है और दिल्ली में कांग्रेस की अहम बैठक हुई है। और इस बैठक के जरिए, क्योंकि लगातार जो संगठन विस्तार को लेकर के चर्चा है वो इस दौरान की गई और हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार की तैयारी लगातार की जा रही है। दिल्ली में विवेक बंसल और कुमारी सैलजा जो कि इससे पहले पर्यवेक्षकों से फीडबैक ले रहे थे वो बैठक अब खत्म हो चुकी है। जिलाध्यक्षों के लिए तीन तीन नामों का पैनल बनाया जाएगा और उसके आधार पर आगे जो संगठन को मजबूती देने के लिए कोशिशें हैं वो आगे की जा पाएंगी। ऐसे में पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट पर आगे मंथन किया जाएगा और सबसे पहले उनके द्वारा फीडबैक लिया गया है। जिलाध्यक्षों के लिए तीन तीन नामों का पैनल बनाया जाएगा, लेकिन ऐसे में संगठन विस्तार को लेकर लगातार जो अभी तक सवाल उठते रहे कि काफी समय हो चुका है संगठन में जो नियुक्तियां हैं वो नहीं हो पाई हैं और इसको लेकर के बार बार ये कहा गया था कि इससे संगठन कमजोर हो रहा है, लेकिन कितना बेहतर करने के लिए, संगठन मजबूत करने के लिए ये जो तैयारियां हैं वो कितनी तेज चल रही हैं वो जरा जान लेते हैं। राजा पटेल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजा, हरियाणा कांग्रेस में संगठन विस्तार को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, बैठक चल रही थी, खत्म हो चुकी है, क्या भी जानकारी है? हाँ बिल्कुल सुभेन, मैं आपको बता दूं कि एक मैराथन जो बैठक थी, मैं आपको बता दूं सुबह 11 बजे से ये बैठक स्टार्ट हुई थी और करीबन 5 बज चुके हैं, कहीं ना कहीं जो बैठक है वो खत्म हो चुकी है। मैं आपको बताऊं कि पूरे दिन जितने भी पर्यवेक्षक बनाए गए थे, तमाम जो कार्यकर्ता जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर जाकर कार्यकर्ताओं से बातचीत करने, लोगों से बातचीत करने को लेकर, उनसे कहीं ना कहीं 1-to-1 जो प्रभारी हैं विवेक बंसल, कुमारी सैलजा जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहीं कहीं साफ तौर पर 1-to-1 30 से 35 मिनट का समय एक एक कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं दिया। तो साफ तौर पर काफी ज्यादा कहीं ना कहीं इस मीटिंग में यही निकलकर सामने आया कि तमाम जो कार्यकर्ता है उन साफ छवि का हो, जिनको कहीं ना कहीं जो आगे संगठन में विस्तार कहीं ना कहीं पर पोस्ट दी जाए, कहीं ना कहीं विस्तार के लिए लेके आगे जाया जाए। तो साफ तौर पर ये पूरे दिन इसी तरीके से ये कार्यक्रम चला। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं सुबह कि कल भी इसी तरीके से कल ये पूरा कार्यक्रम, ये मीटिंग का जो दौर है वो कहीं ना कहीं जारी रहेगा जी। लेकिन जिलाध्यक्षों के लिए अलग से एक पैनल बनाया जाएगा, इसको लेकर के भी तैयारियां हैं? और इसमें क्योंकि संगठन स्तर पर बहुत सारी अभी भी नियुक्तियां जो कि पिछले काफी लंबे समय से रुकी हुई थी, तो इसको लेकर के भी लगातार विचार है? बिल्कुल सुबह, मैं आपको बता दूं कि आज पहला दिन था मीटिंग का। साफ तौर पर आज कहीं ना कहीं बारीकी और ग्राउंड लेवल पर जिस तरीके से प्रेक्षकों ने कहीं ना कहीं जो काम किया है उनकी बारीकियों को कहीं ना कहीं यहाँ पर जानने की यहाँ पर कोशिश किया। कुमारी सैलजा जो कि प्रदेश अध्यक्ष और विवेक बंसल, साफ तौर पर जो कल मीटिंग है उसमें पैनल को लेकर डिस्कशन हो सकता है। ग्रामीण लेवल पर, बूथ लेवल पर किस तरीके से कौन कौन से कार्यकर्ताओं को की ड्यूटी लगाया जाए, उनको कहीं ना कहीं शामिल किया जाए कहीं ना कहीं विस्तार उसमें कांग्रेस के विस्तार में, तो इन सभी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं कल जो है ये चर्चा होने वाली बाकी है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजा इस पर जानकारी।